हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिगिवियन ऑनलाइन क्लासेस। सो इन अवर प्रीवियस वीडियोस वी वर रीडिंग द इंग्लिश चैनल्स चैप्टर नंबर 4 अ हेस्टी जजमेंट। और हमने इसमें पढ़ा कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है दैट इज जैक ट्रीहैन, ठीक है, वो शायद उसके फादर जो हैं, एक मतलब हमने अप्रॉक्सीमेटली जो स्टार्टिंग है इसकी, जो ओपनिंग है इस चैप्टर की, स्टोरी की, वो पढ़ी थी, जिसमें हमें पता चलता है कि जैक ट्रीहैन जो है वो अपने स्टेप मदर को लाइक नहीं करते हैं। वाई सो? क्योंकि उनकी जो स्टेप मदर है वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, पैसे बचाने की कोशिश करती है, तो ये ट्रिवियल थिंग्स जो है वो उसको उनकी पसंद नहीं आती है। तो अंदाज़ा जो है लगाया जा सकता है, गैस किया जा सकता है कि जो ट्रीहैन जो है, मिस्टर ट्रीहैन जो कि जैक ट्रीहैन के फादर हैं, ही डिडंट हैव अ प्रेस्टीजियस जॉब, इनफैक्ट ही प्रॉबली गॉट पेड लिटिल फॉर हिज लेबर। हो सकता है उनके पास में कोई ख़ास अच्छी जॉब ना हो, या फिर उनका जो लेबर है यानी कि वो जो जॉब करते हैं उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा हो। येट ही वॉज पुटिंग हिज होल हार्ट इन टू वॉट ही डिड, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे ट्रीहैन के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उस वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ट्राइंग हिज बेस्ट टू ईज द डिसकम्फर्ट ऑफ दोज हूज लाइव्स वर ड्रॉइंग टू एन एंड, और हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके जैक है उनके जो वाइफ है उनकी लाइफ को ईजी करके उनको सारे डिस्कम्फर्ट में भी ईज जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो जैक जो है वो भी ऑब्वियसली कुछ चीज़ें, बच्चा है तो कुछ चीज़ें जो है वो मांगता है, और इन चीज़ों को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जैक की मदर जो है वो जो फूड है उसमें कटौती ना करके उन चीज़ों में पैसे बचाने की कोशिश करती है, लिटिल सेविंग जो है वो करने की कोशिश करती है, जिससे कि जैक जो है उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देके खूब सारा कम्फर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पर जब वॉल्टर और जैक जो है उनकी बात होती है दोनों दोस्तों की, तो जैक बताता है कि मैं अपनी स्टेप मॉम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, इनफैक्ट मैं उनको तो लाइक करता हूँ लेकिन उनकी जो लिटिल सेविंग वेज है मैं उनको लाइक बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इस पर वॉल्टर जो है वो कहता है कि तुम्हारी मदर तो बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब क्या हुआ? तो जैक कहता है कि जब आप किसी इंसान के साथ में रहना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि वो इंसान वाकई में कैसा है। तो जैक जो है उनके घर पर आता है, मील लेता है जो कि काफ़ी सुपर्ब होता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग इवन जब उनका ब्रेकफास्ट होता है वो भी काफ़ी रिच होता है, तो वॉल्टर जो है वो जैक से थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है कि उसने शायद अपनी मदर को अच्छे से जज नहीं किया है। और इनफैक्ट मिसेस ट्रीहैन जो है वो एक ऑफ़र करती हैं बच्चों को कि क्यों ना हम आज जो है एक पिकनिक के लिए जाते हैं और वहीं पर हम अपना जो मील है वो लेंगे, एक एक्सपीडिशन करते हैं कास्टर कॉव की तरफ। तो वंडरफुल आइडिया सेड जैक्स फादर, और इस आइडिया पे जैक के फादर कहते हैं कि बहुत ही शानदार विचार है, आई विल गेट द बीच अम्ब्रेला रेडी। बीच पर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो आराम से फिर छाया में बैठ के इंजॉय कर पाएंगे ब्यूटी को, सी ब्यूटी को। तो वो कहता है कि मैं अम्ब्रेला रेडी करता हूँ। द बॉयज टू वर डिलाइटेड विद द आइडिया, और दोनों जो लड़के हैं वो भी इस आइडिया से बहुत खुश हो जाते हैं। एंड रैन ऑफ टू गेट रेडी, और फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करके वो रेडी होने के लिए चले जाते हैं। वाइल मिसेस ट्रीहैन सेट टू वर्क बिजीली पैकिंग द पिकनिक बास्केट, और जब सब अपने कामों में लग जाते हैं तो मिसेस ट्रीहैन जो हैं वो वापस बिजी हो जाते हैं पिकनिक बास्केट को पैक करने के लिए। वॉट इज इन दैट पिकनिक बास्केट यू आर कैरिंग, जैक आस्क्ड हिज फादर एज दे वर लीविंग। तो जिस टाइम पे वो लोग घर से निकल रहे थे, जैक अपने फादर से पूछता है वॉट इज इन दैट पिकनिक बास्केट यू आर कैरिंग, जो पिकनिक के बास्केट, जो पिकनिक बास्केट आप ले जा रहे हैं उसमें क्या है? अ लंच जैक, एंड नोइंग हू पैक्ड इट आई कैन प्रोमिस वी शैल नॉट डू बैडली।
तो उसके फादर आंसर करते हैं और जैक और लंच जैक, तो इसमें हमारा लंच है। एंड नोए को पैक्ड इट, और ये जानते हुए कि इसको किसने पैक किया है, आई कैन प्रॉमिस वी शैल नॉट डू बैडली, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हम जो है इस लंच को काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। बट यू ऑलवेज यूज टू गिव अस लंच एट द होटल, फादर जैक सेड। और लेकिन जैक कहते हैं कि आप तो हमेशा लंच जो है वो हमें होटल में देते थे जब भी हम बीच पर जाते थे घूमने के लिए। बट वी हैव लर्नड अ ट्रिक वर्थ टू ऑफ दैट, हैव वी नॉट माई डियर, एंड मिस्टर ट्रीहैन स्माइल्ड एट हिज वाइफ। और इतना कहकर वो कहते हैं, उसके फादर आंसर करते हैं जैक को, दैट वी हैव लर्नड अ ट्रिक, कि हमने एक नया तरीका सीखा है, वर्थ टू ऑफ दैट, कि हमारा खाना भी हो जाए और पिकनिक भी हो जाए। हैव वी नॉट माई डियर, और फिर मिसेस ट्रीहैन की तरफ स्माइल करते हुए मिस्टर ट्रीहैन कहते हैं कि सही बात कही ना मैंने, इट इज़ सो मच मोर फन टू हैव अवर लंच क्लोज टू द सी सेट रादर देन इन अ स्टफी रेस्टोरेंट। स्टफी का मतलब है भरा हुआ, ठीक है। सो होटल्स जो हैं, रेस्टोरेंट हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ होती है तो वो काफ़ी क्राउडेड होते हैं। तो वो कहती हैं, इट इज़ टू मच मोर फन टू हैव अवर लंच क्लोज टू द सी, यानी समंदर के किनारे बैठकर जब हम अपना लंच करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, रादर देन इन अ स्टफी रेस्टोरेंट, इसके बजाय कि हम एक भरे हुए क्राउडेड रेस्टोरेंट में लंच करें, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी रहेगी तो काफ़ी उनको अच्छा लगेगा। ये कहा है मिसेस ट्रीहैन ने। दैट इज़ वन ऑफ द सेविंग वेज आई टोल्ड यू अबाउट, और ये जो हमारे छोटे छोटे बचत करने के जो तरीके हैं, पैसे जमा करने के जो तरीके, उन्हीं में से एक है, आई टोल्ड यू अबाउट। और वो कहती हैं जैक को कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया है। शी थिंक इट विल सेव द एक्सपेंस ऑफ अ लंच एट द होटल, मटर्ड जैक। मटर्ड का मतलब होता है जो हम फुसफुसाहट वाली आवाज़ में कहते हैं वो। तो वो कहता है जैक कि ये सोचते हैं कि इस तरीके से वो एक लंच होटल में लंच करने का एक्सपेंस जो है वो बचा लेंगे। ऐसे गॉट इन टू द बैक सीट विद वॉल्टर, और ये बात वो किससे कहता है, वॉल्टर से, क्योंकि वो दोनों तो पीछे की तरफ बैठे हुए थे। एंड हु इज़ गोइंग टू कैरी दैट हॉरिड रेड बास्केट, आई शुड लाइक टू नो, नॉट मी फॉर श्योर। और उसके बाद में जैक कहता है कि कास्टल क्रॉक द, इस बड़ी सी बास्केट को जो है वो कैरी कौन करेगा, आई शुड लाइक टू नो, मुझे ये जानने की बड़ी उत्सुकता है, या मैं ये बात जानना चाहता हूँ, नॉट मी फॉर श्योर, मैं तो बिल्कुल भी जो है इसको कैरी नहीं करने वाला हूँ। द वाइट क्रेस्टेड वेव्स वर रोलिंग इन ओवर द ब्लू बे एज द ट्रीहैन्स एंड वॉल्टर गॉट आउट ऑफ द कार टू फॉलो द नैरो क्लिफ पाथ टुवर्ड्स द क्लो वेयर दे वुड एंजॉय द पिकनिक। और अब वो हैं किस तरीके से व्यू जो है, इमेजनरी जो है, यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें राइटर की देखने को मिलती है कि उसने कहा है वाइट क्रेस्टेड वेव्स वर रोलिंग, ठीक है। इसका मीनिंग जो है वो आप अपने डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करिएगा। हम ये पैराग्राफ जो है पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।